अब वो वजह जिसकी वजह से ये चार बॉटल्स आपके सामने हैं वो ये है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को इन निर्वाना बोटेनिक्स के सनब्लॉक का रिव्यू देने वाली, जिसके आपके सामने चार बॉटल्स हैं और ये तो बिल्कुल ही खाली है, इसके तो वजन से ही पता लग रहा है। आई हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। ये मेरी आई गेस फर्स्ट बॉटल थी, ये फर्स्ट बॉटल थी, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने ये मंगवाई। अच्छा, ये दोनों तो बिल्कुल ही खाली हैं। इनमें से ये वाली भी फुल है और सॉरी, ये वाली भी फुल है और ये वाली अभी यूज़ हो रही है। अच्छा, अब डिफरेंस ये है क्योंकि जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है सील नहीं है, ठीक है, दिस इज़ एम्प्टी। लेकिन जो बिल्कुल न्यू है उनके ऊपर सील होती है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसका वर्क बताऊँ, पहले ये ज़रूरी है जान लें कि जब आपने ख़रीद लिया, इसके डब्बे पर इसकी एक्सपायरी लिखी होती है। निर्वाना बोटेनिक्स आप लोग वेबसाइट से, इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या उनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी कोई शॉप वगैरह नहीं है। और यहाँ पे ये है कि जो इसका SPF है ये सिर्फ 30 SPF है। सिर्फ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसकी ये देखें 30 SPF है और इसके अंदर लाइट मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। इसका बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ होता है। पहले इनकी पहली प्रोडक्ट इसमें मॉइस्चराइज़ था, अब तो खैर इनके बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप इसको ओपन कर लेते हैं तो एक साल की इनकी एक्सपायरी होती है। एक साल के अंदर अंदर आपको खोलने के बाद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्यूब न्यू है, मैंने आप लोगों के लिए ओपन करके दिखाई है, ये देखें। तो ये है जी, इनका इस तरह सील लगी होती है, आपको सील ओपन करनी होती है। और किस तरह ओपन होती है आप वैसे भी उतार सकते हैं, लेकिन अनदर थिंग है इसके जो इसका कैप है ना, जैसे आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखें, इसके अंदर एक ऐसे छोटा सा, ये आप देख रहे हैं अंदर हो, ये पिन टाइप सी ऐसा एक्ट करती है, ये देखें। ये सॉरी, ये इतना गंदा हुआ है, वैसे ये पुरानी प्रोडक्ट से बस रिव्यू देने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ से आप इसको टैप करते हैं और फिर खुल जाती है, ठीक है। अब इसके सारे के सारे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इसका वर्क ऑफ वे और मेरे फेस में इसने क्या असर किया, मैं क्यों इतनी ट्यूबे लेके पागल हो रही हूँ। पहली बात तो ये कि ये आपके फेस पर एज अ सनस्क्रीन काम करती है। इसको आप और नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जब ये, जब एक दफ़ा ये ख़त्म हो गया, डे सारे डे आपने इसे लगाया, ख़त्म हो गया, उसके बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आपके फेस पे कोई इफ़ेक्ट देगी, आपके एंटी मार्क्स वगैरह कुछ भी, एक्नी या कुछ भी कम करेगी। हाँ, ये एक्नी नहीं करता जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी एक बात ये है कि जैसा मैंने इसको जब यूज़ आप करते हो ना, आपके फेस पे हल्का सा ग्लो आता है, ठीक है, लेकिन ये आपके फेस को चिट्टा नहीं करता। अगर आप इसको यूज़ करना बंद कर देंगे या इसको अगले दिन नहीं लगाएंगे उठ के, तो आपका फेस, आपके कॉम्प्लेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एज अ सनस्क्रीन ही है। और ये कोई 30 SPF है तो जाहिर है आपको ये तकरीबन हर 2 से 3 घंटे के बाद अप्लाई करना है। अच्छा, 30 SPF का मतलब होता है कि 300 मिनट्स, ठीक हो गया। 300 मिनट्स का मतलब हो गया कि तकरीबन आप इसको, मैं तो वैसे तो ज़्यादा घंटे बनते हैं, लेकिन तकरीबन आप इसको 3 घंटे के बाद दोबारा रीअप्लाई करें। अच्छा जी, उसके बाद ये कि जब आप इसको अप्लाई करते हैं आपकी स्किन बहुत अच्छा एक ग्लो सा आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये कहें कि हमें हमारे फेस को चिट्टा करेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस एक इसकी अच्छाई ये है कि ये आपके फेस के ऊपर किसी किस्म की एक्नी नहीं करता, जैसे बाकी जो थे उनसे मैंने शिफ्ट, इसीलिए मैंने न्यूट्रोजेना का भी इस्तेमाल करके देखा हुआ है। और उसके अलावा मैंने इस्तेमाल किया था किसका, अभी हॉलीवुड स्टाइल समथिंग था उनका भी किया था। सब वाइट कास्ट छोड़ जाता है, ये नहीं छोड़ता। और इसका जैसे कि मैंने बताया आपको कि फेस पे लगाएंगे ग्लो सा आ जाएगा, ठीक है। और सबसे बेहतरीन बात, यही बातें नहीं थी कि मैंने इसको इसलिए अप्लाई किया, एक तो चुटकियों में लिटरली चुटकियों में ये आपके फेस के ऊपर ड्राई हो जाता है। और अब वो वजह जिसकी वजह से ये चार बॉटल्स आपके सामने हैं वो ये है कि जब मैं वुज़ू करती थी, ठीक है, तो वुज़ू करने के बाद जब भी मैंने अपना फेस दोबारा वॉश किया, यानी इसको लगाने के बाद जब वुज़ू किया, तो फेस के ऊपर एक ना लेयर सी आपको उतरती हुई फील होती है पानी के साथ। लेकिन इसको लगाकर मुझे वो लेयर कभी फील नहीं हुई है, इतना अच्छा आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है। और मुझे हमेशा ना प्रोडक्ट्स इसीलिए मैं लगाती नहीं थी अपने फेस पे कि यार नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना इससे अजीब सा मुझे ऐसा लगता था मेरा वजू नहीं हो रहा, कोई एक बैरियर सा बन गया मेरी स्किन के साथ। तो इसीलिए मैं दोबारा से सनब्लॉक वगैरह अप्लाई नहीं करती थी, जिसने ऑब्वियसली बात है मेरी स्किन को काफ़ी डैमेज किया। लेकिन इसको यूज़ करने का यही रीज़न था कि जब मैं अपना फेस धोती थी वजू करने के लिए, तो मेरे फेस के ऊपर मुझे जब पानी के छींटे मारते हम तीन, तो उससे मुझे कोई लेयर उतरती फील नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब ये तो इसकी सारी तारीफें हो गई, इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस मार्च के महीने में 2023 में 1150 रुपये है, ठीक है। और अगर आपका ऑर्डर 35 मिनट से अबव होता है तो आपको कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ते, लेकिन अगर आप इसको अकेला मंगवाएंगे तो फिर आपको इसके डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। और एक और बात ये कि इनकी निर्वाना बोटेनिक्स की ना सेल लगती रहती है, तो लोग इतना अच्छा खासा ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इनके पेज पर ख़ुद भी जाके रिव्यू चेक कर सकते हैं इनका। अब मैं थोड़ी सी आप इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, जो कि मुझे पहले दिखानी चाहिए थी, लेकिन ये बातें सारी जानना बहुत ज़रूरी थी, तभी मैंने आप लोगों को इसको ओपन करके अभी तक नहीं दिखाई, क्योंकि ये ट्यूब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ
तो इसी को ही मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने डाल लिया है और अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ। वैसे मैंने बहुत सारा लगा दिया लेकिन जस्ट आप लोगों को डिफरेंस दिखाने के लिए। कोई वाइट कास्ट नहीं आएगी, ये भी आप लोग खुद देख लेंगे मेरे हाथ पे। ये लें जी, ये मैंने अच्छा अभी जो आप ड्यूई सी इसकी फिनिश नज़र आ रही है, अभी एक चुटकियों में ड्राई हो जाएगा। ये देखें डिफरेंस यहाँ पे भी, ये देखें डिफरेंस अभी थोड़ी देर में बिल्कुल ड्राई अप हो जाएगा। तो ये जितना भी, और इसमें कोई चिपचिपाहट नहीं है, ये मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा था। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इसका जो ग्लो है वो डिसअपेयर होता फील हो रहा है, जैसे कि आप देखें वो जो ग्रीसी तो नहीं है बिल्कुल भी, वो तो बिल्कुल भी नहीं है ग्रीसी, ठीक है। अभी आप लोग इसको देखेंगे फौरन ड्राई हो जाएगा। ये देखें डिफरेंस आप लोगों के सामने है, ग्लो सा भी आता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये देखें, अब आपको भी स्किन को मैं इतना पुल कर रही हूँ ना, आप लोग को फील हो रहा होगा कि वो जो होता है ना एक ग्रीसी सी चीज़, वो नहीं रहेगी। इट्स एक्सट्रीमली गुड, आप इसको खुद आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर आप लोगों को खुद ही डिफरेंस पता लगेगा, बहुत बेहतरीन है। हाँ बस 2 से 3 घंटे बाद दोबारा आपको इसको अप्लाई करना होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और जो वज़ू वाली बात मैंने आप लोगों को बताई है वो तो बहुत ही बेहतरीन है। सो प्राइस बेशक थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ये ईज़िली ट्यूब आपकी चल जाती है, तकरीबन 1 से 1.5 महीना चल जाती है इजीली, डिपेंड करता है आपका यूसेज क्या है। मैं तो सुबह एक दफ़ा अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद हार्डली 1 से 1 दिन में 2 दफ़ा मैक्सिमम अप्लाई होता है। घर के अंदर भी आप लोग इसको अप्लाई करें, जो लोग समझ रहे हैं कि बस सूरज से बचना है ना, ये नहीं है, आपको इसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करना है। घर की जो हमारी लाइट्स और रोशनी होती है भी आपकी स्किन को अफेक्ट करती हैं। हाँ बस सोते हुए ना लगाएं ऑब्वियसली, बट अगर आप लाइट ऑन करके सो रहे हैं तो फिर भी खैर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन कोशिश आप यही करें कि लाइट डिम लाइट करके सोएं। बट ज़्यादा जो सन से डैमेज होता है उसके लिए प्लीज़ को रीअप्लाई करें, और ये 1.5 महीना आपका इजीली चल जाएगा, आप 2 दफ़ा भी इसको अप्लाई करते हैं दिन। लास्ट बात बस ये बताना चाहूँगी कि इसकी फ्रेग्रेंस जब मैंने फर्स्ट बॉटल ली थी तो बिल्कुल मुझे तो एटलीस्ट मेहंदी जैसी लगी थी। मैंने अपने जाने वालों को चेक करवाया तो उनको ऑरेंज ऑरेंज सी लगी, जैसे माल्टे की होती है ऑरेंज पील पाउडर की। लेकिन अब जो इनका ये वाला फॉर्मूला है उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी चेंज हुई हुई है, तो फ्रेग्रेंस वैसे भी एकदम ख़त्म हो जाती है अगर आपको फ्रेग्रेंस नहीं भी पसंद आती। सो आई होप यू गाइज लाइक इट, और इंशाल्लाह ताला मैं एक और रिव्यू के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।